खबरों में बात कर लेते हैं आगरा की, जहां जनपद आगरा के कस्बा फतेहाबाद के ग्राम नगरिया के राशन डीलर ने एक नया कारनामा कर दिया। घर घर जाकर रामपुर के लोगों के फिंगरप्रिंट्स अपनी ई पोस मशीन पर लगवा लाया। जब ग्रामीण राशन लेने पहुंचे तो दुकान बंद कर भाग गया, जिसको लेकर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा काटा। एसडीएम के निर्देश पर पूर्ति निरीक्षक मौके पर पहुंचे तथा ग्रामीणों को समझाया। बाद में राशन डीलर से संपर्क होने पर उन्होंने उसे एक दिन में राशन वितरण के निर्देश दिए हैं, अन्यथा उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। ग्रामीणों का आरोप था कि राशन डीलर ने पूरे राशन की कालाबाजारी कर दी है तथा लोगों को टाल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार फतेहाबाद के ग्राम रामपुर की राशन की दुकान नगरिया से अटैच है। नगरिया का राशन डीलर पिछले 3 दिन से रामपुर जाकर लोगों के ई पोस्ट मशीन पर फिंगरप्रिंट्स ले आया तथा बाद में राशन देने की बात कही। जब ग्रामीण राशन लेने जाते हैं तो वह टाल देता है। बड़ी संख्या में ग्रामीण जब राशन लेने गए तो वह बहाना बनाने लगा। बाद में जब ग्रामीणों ने हंगामा काटा तो वह दुकान बंद कर भाग गया। उसके दुकान में राशन भी नहीं था। ग्रामीणों के हंगामे की सूचना एसडीएम फतेहाबाद को लगी तो उन्होंने तत्काल पूर्ति निरीक्षक रामाकांत यादव को मौके पर भेजा। उन्होंने एक खिड़की से दुकान के अंदर जाकर देखा तो दुकान में मात्र एक पैकेट राशन ही था। ग्रामीणों ने राशन दिलवाने की मांग की, जिस पर उन्होंने राशन डीलर से बात कर उसे एक दिन में राशन वितरण के निर्देश दिए हैं तथा ऐसा न करने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी। फतेहाबाद क्षेत्र में राशन वितरण न होने की शिकायतें अन्य स्थानों से भी मिल रही है। ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग की है। रामपुर के द्वारा सूचना दी गई कि वहाँ पर कुछ कार्ड धारकों के फिंगरप्रिंट एक दो दिन पहले लगवा लिए गए, तभी तक उनको राशन नहीं दिया गया। रामपुर की दुकान अटैचमेंट चल रहा है उसका, ग्राम पंचायत नगरिया में। इसकी सूचना पर अभी ग्राम पंचायत में वहाँ पर गया मौके पर, दुकान पर, दुकान बंद पाई गई। वहाँ पर उनकी पत्नी उपस्थित थी, उनके द्वारा बताया गया कि हॉस्पिटल में तबीयत स्वास्थ्य खराब होने के कारण दवा लेने के लिए गए हुए थे डॉक्टर को दिखाने के लिए। आगे उनको ये कहा गया है, उनको आने के बाद ये किया जाएगा कि कल तक वितरण नहीं करते हैं लोगों को, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर।